हेलो दोस्तों, इजी एग्जाम नोट्स डॉट कॉम में आपका स्वागत है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेपसेक प्रॉब्लम। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था 01 नेपसेक प्रॉब्लम के बारे में, जहां हमने यूज़ किया था टेबुलर मेथड और सेट मेथड का। इस एपिसोड में हम देखेंगे नेपसेक प्रॉब्लम को और यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रैक्शन मेथड का। तो पहले हमें समझ लेते हैं कि नेपसेक प्रॉब्लम होती क्या है। हमको एक बैग दिया हुआ है, बैग मीन्स नेपसेक, ओके okay, और इस बैग की कैपेसिटी है, हम मान के चलते हैं कि इस बैग की कैपेसिटी है 5 kg। डेट मीन्स 5 kg से ज़्यादा का सामान इस बैग के अंदर नहीं आ सकता। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास में है, ओके okay, उन आइटम्स के ऊपर कुछ ना कुछ वेट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। उन आइटम्स को हमको इस बैग के अंदर रखना है, लेकिन कंडीशन क्या है, आइटम्स के कलेक्टिवली वेट जो है वो 5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो भी आइटम्स हम बैग के अंदर रख रहे हैं, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि आइटम दाल हो, चावल हो, या कोई बर्तन हो, एनीथिंग, कोई भी आइटम हम बैग के अंदर पुट कर सकते हैं। अब यदि हम क्वेश्चन के अंदर देखें, हमें दिया गया है n=3। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आइटम्स है x1, x2 एंड x3, 3 आइटम है, ओके okay? अब हर आइटम के ऊपर यदि हम लोग देखें तो हमको प्रॉफिट और वेट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आइटम 1 जो है x1, उसका प्रॉफिट कितना है 1, आइटम 2 का प्रॉफिट है 2, आइटम 3 का प्रॉफिट है 5। साथ ही हमको यहाँ पर वेट दिया गया है, आइटम 1 के लिए वेट कितना है 2, आइटम 2 के लिए वेट कितना है 3, आइटम 3 के लिए वेट कितना है 4। और हमको यहाँ पर दिया गया है m=5। m मीन्स यहाँ पर क्या है, मास, मीन्स बैग की कैपेसिटी। जो बैग हमारे पास है उस बैग की कैपेसिटी कितनी है 5। अब हम लोग यहां पर क्या है कि आइटम्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीटली पूरा आइटम बैग के अंदर रखो। हो सकता है कि आपने 5 kg में से 2 kg चावल बैग के अंदर रख दिया, आपने 3 kg दाल में से 1 kg दाल बैग के अंदर रख दी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको आइटम पूरा पूरा उठा के बैग में रखना है कि उसका फ्रैक्शन रखना है, लेकिन मोटो हमारा एक ही होना चाहिए, वो है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। देखिए, जो भी आइटम्स हमारे पास में 3 आइटम है, उनको हम बैग में कई तरीके से रख सकते हैं, लेकिन उन सारे तरीकों में एक तरीका जो है, मीन सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन क्या देगा हमको, मैक्सिमम प्रॉफिट। और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमको फ्रैक्शन मेथड का यहां पर यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि पर वेट हर आइटम के लिए कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं 2 kg के लिए प्रॉफिट कितना मिल रहा है 1, ओके 3 kg के लिए प्रॉफिट कितना मिल रहा है 2, और 4 kg के लिए प्रॉफिट कितना मिल रहा है 5। लेकिन हमें क्या करना है कि 1 kg पे कितना प्रॉफिट मिलेगा हर आइटम के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं एक x1, x2, x3 यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर हम पता करेंगे पर केजी प्रॉफिट, ओके तो अगर 2 kg पे प्रॉफिट 1 है x1 के लिए, तो 1 kg पे प्रॉफिट कितना होगा 0.5। अगर मैं x2 की बात करूं, 3 kg पे प्रॉफिट है 2, तो 1 kg पे प्रॉफिट कितना निकलेगा, कुछ नहीं, हमको डिवाइड करना है, ओके 2/3 मीन्स प्रॉफिट को हमको डिवाइड करना है वेट से, तो हमको पर केजी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 2/3 हमें कितना मिलेगा यहां पर 0.66। अब अगर मैं आइटम 3 के लिए देखूं, 4 kg पे प्रॉफिट है 5, तो 1 kg पे कितना होगा, कुछ नहीं करना है हमको, ओके हमको डिवाइड कर देना है प्रॉफिट को वेट से, तो 5/4 डेट मीन्स हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1.25। तो ये जो प्रॉफिट हमारे पास में है, ये क्या है, पर केजी प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम आइटम्स को बैग के अंदर रखेंगे। जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम है पर केजी, वो आइटम पहले बैग में जाएगा, और जिसका सबसे कम है उसको हम लास्ट में सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर 3 आइटम्स ले लेते हैं, x1, x2, x3, और एक एम्प्टी बैग यहाँ पर रख लेते हैं नेपसेक। और इस बैग की कैपेसिटी कितनी है 5। तो यदि हम देखें प्रॉफिट, पर केजी प्रॉफिट किसका है, ज्यादा है x3 का, मीन्स 1 kg कितना प्रॉफिट दे रहा है 1.25। तो जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उसको हम बैग के अंदर पहले पुट करेंगे। तो x3 का टोटल वेट कितना है 4,
और 4-5 से कम है, डेट मीन्स एक्स थ्री को कंप्लीटली हम बैग के अंदर पुट कर सकते हैं। तो एक्स थ्री के आगे मैंने क्या लगा दिया, 1, क्योंकि एक्स थ्री पूरा पूरा बैग के अंदर आ सकता है। ओके, तो एक्स थ्री को हमने यहां पर यूज कर लिया। अब बैग की कैपेसिटी कितनी थी, 5 में से 4 किसने कवर कर लिया, एक्स थ्री ने। अब कैपेसिटी कितनी बची है, ओनली 1 की। अब एक्स थ्री के बाद यदि मैं देखो किसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, डेट इज एक्स टू, और प्रॉफिट कितना यहां पर 0.66 एक्स टू का मैक्सिमम है। लेकिन यदि मैं देखू एक्स टू की टोटल वेट कितना है, 3। अगर मैं एक्स टू आइटम को कंप्लीटली बैग में डालता हूं तो कितना वेट आने वाला है, 3 आने वाला है। लेकिन बैग के पास ओनली 1 kg के वेट को लेने की कैपेसिटी है, 1 kg ज्यादा वेट इसके अंदर नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक्स टू का वेट है इसमें से सिर्फ 1 kg वेट को हमको यहां पर पुट करना पड़ेगा। 1 kg मीन्स फ्रैक्शन की बात आ रही है। अगर 1 kg निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर 3 kg है तो 1 kg कितना आ जाएगा यहां पर, 1 kg मीन्स 1/3। टोटल 3 kg है, हमको सिर्फ 1 kg चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, फ्रैक्शन 1/3 पार्ट हम यहां पर ले लेंगे। ओके, ठीक। तो हमने यहां पर क्या किया, x2 को कंप्लीटली यहां पर, बल्कि उसका फ्रैक्शन हमने यहां पर लिया है। तो x2 का कितना पार्ट आया है, 1/3 x2 का हमने 1/3 पार्ट किसके अंदर डाला है, बैग के अंदर पुट किया है। अब 1/3 x2 मीन्स कितना कवर कर रहा है, 1 kg। तो हमारे पास कैपेसिटी जो थी कितनी एम्प्टी थी, 1 kg की। तो 1 में से हम लोग क्या करेंगे, बैग के 1 kg में से हम माइनस कर देंगे x2 के 1 kg को, तो कितना रिमेनिंग रहा यहां पर, 0। मीन्स बैग कंप्लीटली फुल हो चुका है। ओके, अब अगर मैं x1 आइटम की बात करूं तो x1 आइटम के लिए यहां पर जगह ही नहीं है, डेट मीन्स x1 आइटम को हम ले ही नहीं सकते। तो अगर मैं यहां पर देखू तो हमें क्या मिला है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन 0, 1/3 एंड 1। लेकिन अभी काम बचा हुआ है, अब हमें यह पता करना है समेशन ऑफ wixi, डेट मीन्स टोटल वेट कितना बैग के अंदर आया है, चेक भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखो wixi, तो आइटम 1 का वेट कितना है, 2 × फ्रैक्शन कितना लिया हमने, xi 0, प्लस आइटम 2 का वेट 3, फ्रैक्शन कितना लिया हमने, 1/3, प्लस आइटम 3 का वेट कितना है, 4, और फ्रैक्शन हमने कितना लिया है, 1। तो हम सम करके देखते हैं समेशन हमें कितना मिलेगा यहां पर, 0 + 1 + 4, डेट मीन्स 5। wixi हमें यहां पर कितना मिल गया, 5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि टोटल प्रॉफिट आखिर हमें मिला कितना है। तो हम क्या यूज करेंगे, समेशन ऑफ pixi। अगर मैं आइटम 1 का प्रॉफिट देखूं तो कितना है, 1, लेकिन हमने xi की वैल्यू कितनी आइटम 1 की, 0, प्लस आइटम 2 का प्रॉफिट कितना है, 2, और xi की वैल्यू कितनी है, 1/3, प्लस आइटम 3 का प्रॉफिट यहां पर कितना है, 5, और फ्रैक्शन की वैल्यू हमने कितनी ली xi की, 1। अब हमको सम निकालना पड़ेगा सभी का, तो क्या मिलेगा हमको, 0 + 2/3। 2/3 मीन्स कितना हो जाएगा यहां पर, 0.66 प्लस 5, तो यहां पर आ जाएगा आंसर 5.66। ये हमको टोटल प्रॉफिट मिला है, दैट इज 5.66, और यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। हो सकता है कि और भी सॉल्यूशन मिल रहे होंगे, ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन। लेकिन उन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये था नेपसेक प्रॉब्लम के अंदर फ्रैक्शन मेथड को यूज करने का तरीका। थैंक यू।